मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रचना भार्गव है और आज के इस इवेंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज सीखने का दिन है, लीडरशिप डेवलपमेंट का दिन है। अगर मैं मेरे बारे में बात करना चाहूँ तो बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट थी। मान सम्मान पैसा सब कुछ मिल रहा था, लेकिन टाइम की कमी होने लगी थी और फिर आया कोविड और मेरे जीवन में एक दरवाजा खुला जिसमें मुझे मोदी केयर को बिल्ड करने की हिम्मत आई। लास्ट 26 ईयर से बिजनेस सुरेखा दीदी के थ्रू मेरे साथ है, बट इसे शेयर करने का, इसे बिल्ड करने का हिम्मत नहीं थी। लेकिन कहते हैं सबका दिन आता है और वही मेरा दिन हुआ। आज प्राउडली डायमंड डायरेक्टर लेवल पर वर्क कर रही हूँ और आपके सामने हूँ, खुशी खुशी ये काम कर रही हूँ। सुंदर सी टीम है, कौडल्या एंड दुबई की रेस में शामिल हो चुके हैं। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हमारा मोदी केयर ये कहता है सक्सेस इज इक्वल टू सिस्टम, या उल्टा करें सिस्टम इज इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस मंत्र का बोर्ड आपको सामने दिख रहा है और इसे आज जो समझाने आने वाले हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। नाम उनका अल्पेश गज्जर जी है, स्मैक अचीवर है, GRDD है, 1 CR करोड़ आजादी, और जो सबसे बड़ा एक उनको हम जिन नाम से पहचानते हैं वो है गुजरात के बब्बर शेर। तो क्या आप बब्बर शेर की दहाड़ सुनने को तैयार हैं? तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए अल्पेश गज्जर सर का। अल्पेश गज्जर सर, आपका प्लीज कैमरा ओपन। यस, थैंक यू सर, एंड द स्टेज इज योर्स। आपकी स्क्रीन शेयर करना, अगर अभी आप बंद कर सकते तो कर दीजिए, पहले आपको सुनना चाहते हैं सर। नहीं, कोई बात नहीं, स्क्रीन वही रहने दो, कैमरा मेरा आ जाएगा ना। Yes, आप दिख रहे हैं सर, ठीक है। हाँ जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम रचना मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच सुरेखा भार्गव मैम हमें हमेशा सपोर्ट करने के लिए और ये आज का ये प्लेटफॉर्म भी देने के लिए। तो जितने भी आज हमारे दोस्त थे जो मुझे जानते हैं, नहीं जानते हैं, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अल्पेश हसमुख भाई गज्जर है और मैं मोदी केयर इंडिया को पिछले 10 साल, ये 21 अगस्त यानी 2 दिन पहले मुझे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एंड विद इन 10 ईयर्स में मेरी जो ग्रोस इनकम है ऑलमोस्ट 14 करोड़ के आसपास हुई है। और लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट बेस में पैसा धीरे आता है, तो आप देख सकते हो कि ये मेरा ज्वाइनिंग डेट है 21 अगस्त 2013, और ये मेरी पिछले पाँच साल की कमाई है। मैं फटाफट घुमाऊंगा, 1 करोड़ 46, 1 करोड़ 47, 1 करोड़ 64, 1 करोड़ 94, 1 करोड़ 93, और ये साल का अभी आ गया है प्लीज। तो ये मेरी जर्नी है, यू कांट से कि ये सक्सेस जर्नी है, क्योंकि जब हम सुरेखा मैम के चेक को देखे तो अपने आप को बहुत छोटा फील करते हैं, और छोटा तो ठीक है, हमें ये जरूर फील होता है कि उनकी टीम में हम जैसे लोग हैं, लेकिन हमारी टीम में हम जैसे लोग नहीं है। तो जरूरी ये नहीं है कि मैं 15-20 लाख पे पहुंचूं, जरूरी है कि मेरी टीम में कितने लोग 15-20 लाख पे पहुंच रहे हैं। तो शायद मैं अपने आप को सबसे एक्टिव लीडर में से एक मानता हूं। मैं कभी घर पे नहीं होता हूं, मेरा सख्त ट्रैवलिंग होता है, और ये ट्रैवलिंग का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, लोगों की जिंदगी बनाना है। और जितना मैं नेटवर्क मार्केटिंग को समझ पाया हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो भी PPT है, जो सक्सेस की बातें हैं जो मैंने इस प्रोफेशन में आने के बाद सीखी है, वही है। हार्वर्ड की स्टडी बताती है कि इंसान जब सफल बनता है तो 15% उसका टेक्निकल नो हाउ वर्क करता है और 85% उसका एटीट्यूड वर्क करता है। 85% वो विपरीत परिस्थितियों को कैसे हैंडल करता है, उनकी विपरीत परिस्थिति में, यानी जब चैलेंजेस का फेस चल रहा हो, चाहो तो कोई हिसाब से ना हो रहा हो, कुछ हमारे साथ गलत हो रहा हो, ऐसी प्रतीत हो, और उस वक्त आपका एटीट्यूड क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, ये इंसान को सफल बनाता है। तो जब भी मुझे कोई बोलता है कि सर मैं टीम बनाता हूँ और मेरी टीम टूटती है, तो मैं उसको कागज और पेन देता हूँ कि क्या अल्पेश गज्जर की टीम बनी और टूटी नहीं होगी। जब भी कोई मुझे पूछते है कि सर ये BVPV या प्राइस के अंदर मुझे बेस सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो मैं उसको बोलता हूँ क्या ये BVP और प्राइस क्या सिर्फ तुम्हारे लिए है? जब भी कोई मुझे कहते है कि जब कंपनी अपनी हमारी सबकी सफलता के लिए जब कोई भी चेंजेस लाता है, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरी टीम के लिए ठीक नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, मेरी टीम नहीं मान रही है, तो क्या अल्पेश गज्जर की टीम मान रही होगी? और अगर आपके लिए ठीक नहीं है तो अल्पेश गज्जर के लिए ठीक कैसे हो सकता है? तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ, उस वक्त मैं क्या सोचता हूँ, यही हमारी सभी लीडरशिप की सफलता का राज है। आपकी जो भी अप्लायंस है, आपके जो भी लीडर है, वो ऐसे ही लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे हैं। 4 बेसिक दुनिया में कोई भी कर लेगा, लेकिन 4 बेसिक करते वक्त हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हमारी मानसिकता होनी चाहिए क्या चाहिए,
जब लोग हमारी टीम में आए तो उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट प्यार क्या होना चाहिए, आप उसको कैसे हैंडलिंग करते हो, जब आपका शरीर आत्मा मन मना करे तो अपने शरीर को धक्का देके आप कैसे आगे निकलते हो, जब आपको लगे कि यार ये बार बार मेरे साथ हो रहा है, तो ये मैं आपको बता दूं, मेरी भी टीम बनती टूटती है और आज भी बनती टूटती है। मैं नेगेटिव बातें करने में बिल्ली नहीं करता, लेकिन क्योंकि इस बिजनेस में आने वाले लोगों का जो फ्लो होता है उसी हिसाब से जाने वाले लोगों का फ्लो होता है, और मेरा शायद यही किरदार है इस बिजनेस के अंदर में कि सबके माइंडसेट कर पाऊं कि भैया ये बिजनेस दो प्रकार के माइंडसेट कि आपको सफलता जरूर मिलेगी और उस सफलता के लिए जितनी भी चीजें एक इंसान के अंदर होनी चाहिए यू हैव इट, आपके अंदर है, बस वो सफलता की तरफ पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो थोड़ा अनचाहा हो सकता है, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आपका बिलीफ 100% है, और मैं बिलीव में बहुत बिलीव करता हूँ हर चीज में, मुझे लगता है कि इतनी इनकम देखने के बाद अगर कोई ये नहीं सोच पा रहा है कि कल इस टीडीएस पे मेरा नाम होगा, या सुरेखा मैम को देख के अगर अल्पेश गजरिया फील नहीं कर रहा है कि मेरा भी एक दिन 1 करोड़ का चेक होगा, मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर ये हीन भावना का नतीजा है, ये मैंने अपने आप को बिना वजह सरेंडर किया है ये माना जाएगा। शक्ति परम पिता परमेश्वर ने सबको दी है, लेकिन उस शक्ति को निखारने का एक प्रोसेस दिया है, और शक्ति को निखारना दैट मींस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालना। तो खैर, मैंने मोदी केयर से बहुत कुछ पाया है मेरी लाइफ में, जितने आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं कि मैंने पैसे कमाए, जैगुआर ली, लंदन, मॉस्को, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, पताया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे कई कंट्रीज हम लोग दो दो तीन तीन बार जाके आए, ये सब 10 सालों में, और 10 साल में कोविड के 2 साल निकाल दीजिए तो आपको समझ में आएगा, 8 साल में इतनी सारी फॉरेन ट्रिप, सिर्फ मेरे परिवार को नहीं, मेरे टीम का जो परिवार है मोदी केयर का, उसमें हजारों लोग जाके आए हैं विदेश यात्रा पे, विदेश धरती के ऊपर पांव रख के वापिस आए हैं। तो हम मैं इन शॉर्ट ये कहता हूँ, इट्स अ प्रूवन अपॉर्चुनिटी, ये वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आज नई कंपनी आई है, तू पहला फाउंडर मेंबर, तू इस राज्य का पहला आदमी, तू इस देश का पहला आदमी, और 3 साल के बाद पता चलता है वो पहला आदमी भी नहीं है और वो कंपनी भी नहीं है। हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं जो भारत देश में सबसे पहला एस्टैब्लिश हुई और आज 26-27-28 साल से रन कर रही है। तो 1996 से ये कंपनी चल रही है, 27 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 1996, कई हजार लाख रुपया कमाने वाले और कई करोड़पति पैदा कर चुकी है कंपनी, कई जगुआर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, फरारी इस बिजनेस के थ्रू आ चुकी है। और फिर अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे से होगा कि नहीं, तो ये तो मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि थॉमस आल्वा एडिशन ने क्या किया होगा, जब अंधेरा था और बिजली जैसी कोई चीज थी नहीं, उसने वो चीज बनाने के बारे में सोचा जो इस सृष्टि के ऊपर थी नहीं। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया, उन्होंने वो चीज बनाने के बारे में सोचा जिसका कोई रेफरेंस ही नहीं था, वो अपने दिमाग में इनपुट डाल ही नहीं सकते थे कि भैया भारत के पास है, चलो हम भी बना लेते हैं, नो, कहीं नहीं था पूरे विश्व में। जब इजाद होता है, चीजें नई नई होती है, तो आप सोचिए लोग अपना कितना मन को कितना बड़ा माइंडसेट करते हैं कि जब तक मैं उड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ तो आपके सामने कभी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करोड़पति है, कभी कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर करोड़पति है, कभी कोई पानी का पाउच बेचने वाला करोड़पति है, कभी कोई दूध बेचने वाली बाई करोड़पति है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब हमारे इनपुट्स के अंदर सारे रेफरेंसेस है, उसके बावजूद भी लोग सफल क्यों नहीं पाते। तो यही बात है, हम सही वक्त सही सोचते नहीं है और शायद हम सही इंसान नहीं बन पाते, क्योंकि इस बिजनेस में 2 चीजों की बहुत जरूरत होती है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो ये मैंने क्वालिफिकेशन ऑफ सक्सेस का कुछ ग्राफ बनाया है और मैं चाहूंगा कि फटाफट आपको आने वाली 40-50 मिनट के अंदर इसको हम कंप्लीट करें। तो मुझे लगता है कि सक्सेस के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये 4 बेसिक करना कोई कहीं से भी सीख लेगा, डेमो करना सीख लेगा, जब आप 500 लोगों को मिलोगे तो प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपके चाहतों के हिसाब से रिजल्ट ना आए तो क्या आपका नजरिया सकारात्मक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं इनिशियल स्टेज में जब जाए, यहाँ अगर इस मीटिंग के अंदर कोई नए लोग आए हैं तो इनिशियल स्टेज में जब मैं मीटिंग्स में जाता था, मैं लोगों को इनवाइट करता था, ऑब्वियसली हम इनवाइट 20 लोगों को करते और शायद एक भी नहीं आता, हमने टिकट लेके रखी होती है, हमें फाड़ के फेंक देनी पड़ती है। उस वक्त हॉल में जाके मायूस होना ये स्वाभाविक होता है ना, लेकिन मेरा ऐसा नहीं होता था। मैं हमेशा ये सोचता था
कि मैं जिस हॉल में आया हूँ वहां 1200 की कैपेसिटी या 1000 लोगों की कैपेसिटी है, उसमें 200 लोग खड़े हुए हैं। अल्पेश, तेरे लोग नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि मीटिंग में लोग नहीं आते। तो ये देखो, मेरा नजरिया डिफरेंट था। मीटिंग में लोग आते हैं, लेकिन तेरा बुलाने का जो तरीका है वो शायद डेवलप नहीं हुआ। शायद उन लोगों को तू कन्विंस नहीं कर पाया, शायद उनको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, शायद उनको 3-4 घंटा यहाँ आने का फायदा तू नहीं बता पाया। तो मैं वो सीखने का प्रयास करता था, हाउ टू इनवाइट, मीटिंग में कैसे बुलाए। फिर थोड़ी कॉमन सेंस लगाता था कि अरे, एक इंसान नहीं आता बिकॉज उसको इंटरेस्ट नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। फिर मैं सोचता था कि उसके फायदे की बात करते हैं। देख, तेरी जॉब में अगर तुझे इंक्रीमेंट चाहिए ना, तो एक ऐसा सेशन है जो तेरी जिंदगी बदल के रख देगा। इनका चार्जेस होता है, ये लीडर जो आ रहे हैं सुरेखा मैम, इनका चार्जेस अगर ये प्रोफेशनल बन जाए तो 2 दिन का 2 लाख रुपया चार्ज कर लेगी। लेकिन आज हमें, हमारे पास मौका है, 100 रुपये की टिकट है, हमें डिस्काउंट रेट में मिली हुई ये चीजें। अगर तू मौका खोएगा, मुझे बड़ी मुश्किल से टिकट मिली है, तो प्लीज मेरी टिकट वेस्ट मत करना। और तेरी जिंदगी, तुझे अगर ऐसा फील हो कि मेरा 3 घंटे बर्बाद हो गए, तो मैं तुझे 200 रुपया वापिस करूंगा। और अगर तुझे, तेरा तू ऑफिस में छुट्टी लेके आया है, तेरा 500 रुपये का नुकसान है, मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। ये मेरा तरीका था उसको मीटिंग का। तो मैं तरीका सीखा क्यों? क्योंकि मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं हिम्मत क्यों नहीं हारा? क्योंकि मैंने सकारात्मक नजरिए से सोचा कि मेरे लोग नहीं आते, मेरी टीम क्लोजिंग नहीं बनती। कंपनी तो बोलती है हमारे 2 लाख एंट्री होती है हर महीना। अगर मेरी टीम में केवाईसी नहीं होते या मेरे कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती, दैट मीन्स कंपनी थोड़ी बंद हो गई। कंपनी के अंदर तो 2 लाख केवाईसी होते एवरी मंथ। मेरा रिपर्चेज नहीं होता, अगर रिपर्चेज नहीं होता कंपनी में, तो 2000 करोड़ की कंपनी नहीं होती। तो कहने का मतलब, हर लेवल पे मैंने सकारात्मक नजरिए से देखा। कभी कोई ऐसा टास्क आया जो मुझे समझ में नहीं आया, कई बार होता है ना, हम भी इंसान है, हमें कोई चीज याद नहीं आती, कोई चेंजेस याद नहीं आता। तो मैं ये सोचता था कि अल्पेश, हर बिजनेस में चैलेंज होती है। जब मैंने कॉइन फंड बिजनेस स्टार्ट किया, 100 चैलेंजेस थे। मैं अब टाइम नहीं, इसे मैं शेयर करना नहीं चाहता। जितने भी मेरे दोस्त यहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस में, क्या आपके बिजनेस में चैलेंजेस नहीं आते? क्या सरकारी रेड नहीं आती हमारे ऊपर? क्या आदमी अच्छे मिलना नहीं मिलना नहीं होता? क्या उधारी हमें परेशान नहीं करती? क्या कैश में माल खरीदना क्या हमें परेशान नहीं करता? टैक्सेस डिपार्टमेंट हमें परेशान नहीं करते? इन्वेंट्री कम पड़ जाती है वो हमें परेशान नहीं करता? कंपटीशन आ जाती है, बाजू में कोई दुकान खोल देता है, परेशान नहीं होती? हमारे रेट से कोई आधे रेट में बेचना चालू कर देता है, क्या हम परेशान नहीं होते? क्या नौकरी में कोई परेशानी? चैलेंजेस में परेशानी तो वर्ड नेगेटिव है, चैलेंजेस इज एवरीवेयर। आपको सोचना होगा कि उस चैलेंजेस को आप किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप जिंदगी में सफलता की तरफ जो भी प्रॉब्लम आती है उसको एक जंग की तरह देखोगे, तो फिर जीत जाओगे। लेकिन हर बार आप हथियार रख दोगे, मेरे साथ रोना धोना ब्लेमिंग गेम, तो ये नजरिया इंसान, वो इंसान टेक्निकल कितना भी पावरफुल हो, उसका प्रोडक्ट का नॉलेज कितना भी पावरफुल हो, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कितना भी पावरफुल हो, वो कपड़े कितने भी अच्छे से तरीके से कैरी करता हो, पर्सनालिटी को कितना अच्छे तरीके से कैरी करता हो, लेकिन वो मैटर नहीं करता, उसका सोचने का तरीका मैटर करता है। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि हमारे इनपुट्स हमारी जिंदगी बनाते हैं। और दुख की बात यह है कि हम सफल लोगों के बीच में रहते नहीं हैं। हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है, हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, हम मूवी देखते हैं, हम विलन को देखते हैं। KGF जैसी मूवी में एक हीरो को भी विलन की तरह दर्शाया जाता है और हम उस हीरो के हो जाते हैं जो कि एक भी अच्छा काम नहीं करता है। मैं खुद फैन बन गया, और मैं जबकि बाद में मुझे पता चला ये तो गुंडा आदमी है ना, ये तो स्त्रियों की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, मैंने कैसे इसको रोल मॉडल बना लिया। तो कई बार हम, आप देखते हो जैसे सिगरेट तंबाकू की गुटखा की एड में लग जाते हैं आपके हीरो, हम उनमें घुस जाते हैं। हमने कभी ये बुक पढ़ने का प्रयास नहीं किया कि टाटा टाटा कैसे बना, वॉरेन बफेट कैसे बना, बिल गेट्स कैसे बना, उन्होंने कौन सी कीमतें चुकाई, क्या उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आई? एप्पल के मालिक जो आज इस दुनिया में नहीं है, एप्पल के फाउंडर, उनको भी अपनी कंपनी से निकाला गया था। ऐसी कहानियां पढ़ी है, फिर उन्होंने कैसे कमबैक किया, फिर कैसे वो वापिस आए, फिर कैसे वो उन्होंने एप्पल का ऊपर अपना प्रभुत्व आजमाया। इससे हमें पता चलता है कि जिंदगी में कुछ भी पॉसिबल है। जो आपके इनपुट्स है वही आपका बिलीफ बनाते हैं। अगर मैं एक हिंदू हूँ और मैं अगर कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर कोई मशीन नहीं लगाई गई थी। लेकिन बचपन से मुझे समझाया गया था, तू हिंदू है,
तू शंकर भगवान के पास आएगा, तू मंदिर जाएगा, तू पूजा करेगा, तू हिंदू है, हिंदुइज्म ये हिंदुइज्म वो, डेफिनेटली मेरा धर्म, हर हर इंसान अपने धर्म की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो ब्लड रिपोर्ट में थोड़ी आता है कि हिंदू हूं या ईसाई हूं या मुस्लिम हूं, तब ब्लड रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आता, इंसान है वो पॉजिटिव आया, और उसके बाद में मेरे इनपुट्स डाले गए, उस इनपुट्स को देखो, ये एक ऐसा इनपुट है जिसको सही गलत कोई साबित ही नहीं कर पाया, लेकिन आज भी हम फर्म बिलीफ के साथ अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। सेम मुझे लगता है इनकम भी वही चीज है, हम कुछ लोगों को कमाते हुए देखते हैं, लेकिन हमारे इनपुट्स वो डाले गए हैं कि बेटा अच्छे मार्क्स ला 50,000 की नौकरी कर, बेटा अच्छे मार्क्स ला 1,00,000 की नौकरी कर, और ये इनपुट्स हमें खत्म करते रहे हैं। जब हमारे सामने एक आदमी आता है, नाम अल्पेश गज्जर है, अंडर ग्रेजुएट है, वो 2-2 करोड़ की साल की इनकम ले रहा है, वो इनकम के प्रूफ दिखा रहा है, और फिर भी हमारा माइंड का कन्विक्शन नहीं आ रहा है, बिकॉज वो इनपुट्स इतने स्ट्रांग है धर्म की तरह बचपन से दिए गए हैं कि एकदम कोई आके बोलेगा हम थोड़ी मान लेंगे, किसी की अदर धर्म की मीटिंग में जाएंगे हम थोड़ा परिवर्तन कर लेंगे। तो ये सोच का परिवर्तन चाहता हूं मैं आपका, और दैट इज वाई मैं आपको आज प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं कि सक्सेस का मूल मंत्र क्या है, व्हाट इज द सक्सेस के लिए बेसिक क्या। देखो 4 बेसिक आप कर लोगे, गूगल में ढूंढ के कर लोगे, वीडियो देख के, सुरेखा मैम के इतने सारे वीडियो है, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं वही देख लो, आपको सारी ट्रेनिंग हो जाएगी। लेकिन एक होती है टेक्निकल ट्रेनिंग, एक होती है माइंडसेट ट्रेनिंग, और मेरा ये मानना है जब तक आपका दिमाग सफलता के बारे में कन्विंस नहीं होगा, सफलता मिल नहीं सकती। एक अमीर, एक गरीब दिमाग कभी अमीर बन नहीं सकता, और एक अमीर दिमाग कभी गरीब रह नहीं सकता। और इसीलिए मेरे जीवन में, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, 4 दीवार मिट्टी की थी, झोपड़ा ही था, और यहाँ से मैं अपने लाइफ में यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जितना आपको सफर दिख रहा है वैसा नहीं था। मैं 23-24 साल की उम्र में 8-10 लाख का कर्जा था, 34-35 साल की उम्र में मुझे 1.5 करोड़ का कर्जा था, और आज आपके सामने उससे ज्यादा मैं साल की इनकम ले रहा हूँ। सब कुछ है, 4 घर खरीद लिए मैंने इस बिजनेस के थ्रू। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप फटाफट देख लीजिएगा, टाइम कम है, और फटाफट से आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है गोल। जब आपको पता नहीं है कहाँ जाना है तो कोई भी रास्ता आपके किसी काम का नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, जब आपको पता नहीं है कि कहाँ जाना है अपने जीवन में, तो दुनिया का कोई भी हाईवे आपके काम का नहीं है। वैसे ही जिनके जीवन में लक्ष्य नहीं होते, वो वहां जाते हैं जहां जिंदगी उनको लेके जाती है, और जिनके पास लक्ष्य होते हैं वो अपनी जिंदगी को वहां लेके जाते हैं जहां उन्हें जाना होता है। तो आप अपने आप से पूछिए कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हो, लेकिन जब ये गोल आप लिखो तो इनपुट डिवाइस चेंज कर लेना। ये मत सोचना कि हमें बचपन में क्या सिखाया गया पैसा कमाना, हमें ये सिखाया गया कि अमीर लोग खराब होते हैं, अमीर लोग विलन होते हैं, अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। प्लीज इस धारणाओं को बदल दीजिए। हमारे देश में टाटा नाम की कंपनी है, मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग उनकी इज्जत करते होंगे, और अगर टाटा जैसी कंपनी ईमानदारी के साथ 1 भी रुपये का करप्शन किए बिना आज इतनी ऊंचाई, देश की सबसे बड़ी कंपनी में से एक हो सकती है, तो ईमानदारी कुछ भी कर सकती है। इसीलिए गोल बड़ा लिखिएगा, अपनी साइज को चेक मत कीजिएगा, अपनी परिस्थिति को चेक मत कीजिएगा, कहाँ हो ये मैटर नहीं करता, कहाँ जाना है ये मैटर करता है। और इसीलिए गोल एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ, लिखित में होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, पिक्चर्स होने चाहिए। मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स है, मैंने लिख के रखे, मेरे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है, और उससे मुझे क्या होता है कि मैं जैसे ही कहीं फ्री बैठा हूं या कुछ कर रहा हूं, तो मैं अपने आप से पूछता हूं, तेरे वो 4 गोल है उसमें से तो कुछ कर रहा है कि कुछ और कर रहा है। अगर मैं मूवी देख रहा हूं, जैसे मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, एंड आई कैन स्पीक इन इंग्लिश राइट नाउ, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट 15 डेज, एंड आई एम स्पीकिंग एवरी डे 5 to 10 hours एवरी डे। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता किसी भी चीज के लिए, और वो 15 दिन में मैंने ठोक दिया कि मैं अपनी बातें इंग्लिश में रख सकता हूं। इसका रीजन ये था कि सिर्फ गोल नहीं रखा था, मैं अगर वॉक कर रहा हूं तो इंग्लिश सुन रहा हूं, मैं अगर पिक्चर देख रहा हूं तो मैं इंग्लिश मूवी देख रहा हूं, मैं मुझे एक अच्छा ट्रेनर बनना है तो मैं इंग्लिश में ट्रेनिंग वीडियोस देखता हूं ताकि मेरी इंग्लिश भी ठीक हो, मुझे मोटिवेशन भी मिल जाए। मैं अगर वॉक कर रहा हूं तो फिजिकल फिटनेस भी मेरा एक गोल है।
तो वो गोल भी कंप्लीट हो और इंग्लिश की ट्रेनिंग भी मिल जाए, मोटिवेशन भी मिल जाए। तीन तीन गोल में एक साथ लेके चलता हूँ। जिनके पास गोल ही नहीं होते उसको दो स्पाइक लेके आता है, पीछे बैठ जा, वो बैठ जाता है, चार घंटे घुमा के वापस घर पे छोड़ देता है, उसको समझ भी नहीं आता। अरे हमारे पास एक पेन होती है ना, एग्जाम में हम किसी को नहीं देते। एक बाइक होती है, हम किसी को मना करते नहीं, मेरे पास एक ही बाइक है, मुझे कहीं जाना है। तो आपके पास जिंदगी कितनी है, आप जिंदगी दे देते हो क्योंकि आपके पास गोल नहीं है। मैं शॉर्ट में बोलूं तो जिन लोगों के पास अपने जीवन में गोल नहीं है उनके नसीब में होल होता है। और इसीलिए अपने गोल को फर्स्ट फर्स्ट क्लियर लिख दीजिए। और गोल सिर्फ गोल से काम नहीं होगा, एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। और आपको हर सेकंड, मैं घंटा भी नहीं बोलूंगा, दिन भी नहीं बोलूंगा, महीना साल या वीक भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एवरी सेकंड एवरी मोमेंट आपको पता होना चाहिए कि अभी आप क्या कर रहे हो। मैं जब भी कहीं बैठता हूं तो मेरे माइंड में एक रिमाइंडर लगा हुआ है, वो मुझे पूछता है व्हाई यू आर हियर, तू यहां पे क्यों है, क्या तू अपने लक्ष्य के प्रति कुछ कर रहा है कि खाली खाली टाइम पास कर रहा है। तो ये एक रिमाइंडर बैक ऑफ द माइंड लगा हुआ है जो मुझे गोल के प्रति जाने के लिए मजबूर करता है। तो मुझे, मैं बड़ा सेंटर रहता हूँ गोल को लेके। बड़े बड़े सर्वे, बड़े बड़े कॉलेजेस, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी साबित कर चुकी है कि जिन लोगों के पास लिखित में क्रिस्टल क्लियर डेट के साथ मेजरेबल गोल थे, वो सारे लोग दुनिया में, वो 3% लोग 97% लोग से 10 गुना पैसा कमाते हैं। आपको भी उसमें आना है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गोल होना चाहिए। बिलीव 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 बिलीव, हमारी टीम टूटती है हमारा बिलीव टूटता है, हमारी टीम टूटती है हमारा बिलीव टूटता है, कुछ चाहतों के हिसाब से नहीं होता हमारा बिलीव टूटता है, लोग रिजेक्ट करते हैं हमारा बिलीव टूटता है, लोग खरीदना बंद करते हैं हमारा बिलीव। अरे ऐसा कैसा बिलीव रे तेरा, बिलीफ वो होना चाहिए कि लेने के लिए भले ही आपको 2 महीने लगे 3 महीने लगे। और ये बिलीफ आता कहाँ से, ये मार्केट से नहीं मिलता, ये 100 ग्राम किलो नहीं मिलता, ये आपके इनपुट्स आपके बिलीफ डिसाइड करते हैं। मैंने क्या बोला कि मेरा इनपुट्स था कि लोग नहीं आए मीटिंग में, लेकिन मैंने हॉल भरा हुआ देखा। मेरा इनपुट मना कर रहा था कि लोग हॉल भर के आते, अल्पेश एक दिन तेरा भी हॉल भरेगा, आज हर जगह भरता है। तो मेरा बिलीव, मेरा इनपुट, मेरा बिलीव था। आप कैसे लोगों की बात सुन रहे हो, कैसे लोगों के साथ घूम रहे हो। हमने हर नॉन लिविंग थिंग चीज पे भरोसा कर दिया, हमने पौधे पे कर दिया, पत्थर पे कर दिया, हम बस अपने ऊपर बिलीव करना भूल गए। हम हमारी कंपनी के ऊपर, देखो मेरे कहने से मोदी केयर के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। मोदी केयर में दम है, ये मोदी केयर साबित कर चुकी है, उसके डेटा से, फिगर से, फैक्ट है, और उसके बाद आपको मानना है। तो आप कितना भी चेक कर लो, आपको मानना पड़ेगा कि मोदी केयर लोगों को सफल बनाती है, किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने की शक्ति मोदी केयर में है। जब कोई हमें पूछता है कि तेरे धंधे में कितना दम है, मैं बोलता हूँ मेरे धंधे में तो दम है, बंदे में कितना दम है ये बता। तो यहाँ बंदे में दम होना चाहिए, दैट्स व्हाई आपका बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इस सब्जेक्ट एक एक घंटे है, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। एथिक्स, ईमानदारी है ना, ईमानदारी, अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने फायदे के लिए किसी का गलत नहीं करना, है ना। हॉल में आते हैं, एडवाइस करते हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे पूरे इंडिया से जब कॉल्स आते हैं ना कि आपके साथ जुड़ना है, मैं उसको ये भी नहीं बताता कि 1 साल वेट करना पड़ेगा। नो बाबा नो, मैं एक ही सवाल पूछता हूं, आपकी आईडी है, आईडी है तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता, अगर आईडी नहीं है तो हम बात करें। आपके परिवार में किसी की आईडी है, मैं पूछ लेता हूं, मैं बोलता हूं बाद में भी मैं आपको निकाल दूंगा अगर पता चला तो। और वो बोले सर तो कैसे आपके पास मैं आ सकता हूँ बताइए। मैंने बोला वो कॉल सेंटर है, वो आपकी अपलाइन है, वो कंपनी के मैनेजर है, आप ये नॉलेज मेरे से ग्रहण ना करें। किसी हॉल में अगर किसी का बंदा आया है उसको कभी भी अपने अंदर लेने का प्रयास ना करें। देखो किसी के घर गए हो, उनका कहीं ज्वाइनिंग लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, आपके बेटे के नाम से यहाँ पे लगा दो। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देते हो कि आपको सफलता के लिए कोई भी रास्ता अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, बिकॉज आपके पास सफल होने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। जबकि मैं ये कहता हूं कि एक एथिकल आदमी हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है कि यार तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं किसी और का नहीं ले सकता। उसको भरोसा होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को भरोसा जाता है कि हमारे पास टीम बनाने की पर्याप्त शक्ति है, इसलिए हमें कहीं छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जीवन के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आप पैसा भी कमाओ और साथ में बहुत बड़ी इज्जत भी कमाओ, तो यकीन मानिए वो एथिक्स के साथ ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इंसानियत, ह्यूमिनिटी, अगर किसी के दुख में आपको दुख दिखाई देता है और किसी के सुख में आपको सुख दिखाई देता है, तो फिर आप इस बिजनेस में चलने के काबिल हो।
दुख दुख की बात यह है कि हमारे देश में और इस दुनिया में लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना औरों के सुख से दुखी है। लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना औरों के सुख से दुखी है। और ऐसे इंसान फिर लीडर बनने निकलते हैं तो ऐसी लीडरशिप नहीं चलेगी भाई साहब। मेरी नजर में ये सतयुग चल रहा है। अच्छे इंसान बनिए, ट्रांसपेरेंट बनिए, मन में कुछ और, बाहर दिखाते हो हमारी सुलह हो गई, अंदर फिर मेरा 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 और तेरा मेरा मेरा, तेरा मेरा हमारा, मेरा मेरा मेरा, तेरा मेरा हमारा। तो ये इंसानियत फिर आपका ग्राफ आप देखना डाउनफॉल की तरफ जाएगा। देखो मुझे कोई नेगेटिव बातें करने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं करता, लेकिन जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमें सफलता मिल नहीं रही, हमारे अंदर कुछ कमी पड़ रही है, आपको इन्हीं बातों में से कुछ मिल जाएगा, प्लीज ढूंढ लीजिए, आपका ग्राफ वापिस ऊपर जाएगा, इज्जत के साथ ऊपर जाएगा, अच्छी इंसानियत के साथ ऊपर जाएगा। तो आप हमेशा लोगों की केयर करिए, लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, अच्छे इंसान जो करते हैं, हम हमेशा अपनी लाइफ में उम्मीद करते हैं कि मुझे अच्छे इंसान मिले, लेकिन हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तो ऐसी बहुत लोगों की उम्मीद कंप्लीट हो जाएगी, कम से कम उनको अच्छा इंसान मिल जाएगा। तो अच्छे इंसान को देखो, लोग कंपनी छोड़ सकते हैं, लोग देश छोड़ सकते हैं, लोग दुनिया छोड़ सकते हैं, लेकिन लोग अच्छे इंसान को कभी नहीं छोड़ते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दिस इज माय सेकंड कंपनी एंड मैंने आते ही तीसरे महीने में 5 लाख रुपए का चेक लिया था। उसका रीजन ये नहीं था कि मैं बड़ा पावरफुल हूँ, मैंने फटाफट सेल कर दिया। ये टीम वर्क का बिजनेस है, लेकिन टीम मेरी उस कंपनी से, सारी टीम जो है कट पेस्ट हुई थी, सारे लोगों ने मुझे मेरे ऊपर भरोसा रखा, तो उनको कंपनी पे नहीं मेरे पे भरोसा आया था। और मेरे पे भरोसा इसलिए आया था कि वो कंपनी छोड़ने का कारण भी यही था कि मैं उनका भविष्य नहीं देख पा रहा था, मेरा तो 5-7 लाख रुपए आ रहा था और उनका भी आता, लेकिन गलत तरीके से आता। और हम गलत तरीके से, पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कहाँ से आ रहे दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और इसलिए फिर मैंने जब मोदी का स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कि ये एक पहलू था जिसकी वजह से मुझे बेनिफिट मिला लोग मेरी तरफ आने का। इसीलिए अच्छे इंसान जरूर रहिए, शॉर्टकट कभी भी अप्लाई मत कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा थोड़ा आपके अंदर जुनून रखिए, थोड़ा आत्मविश्वास रखिए, थोड़ा क्या 100% आत्मविश्वास रखिए, आपको जीत जरूर मिलेगी। फोकस, आपको पता है कि हम आज इतनी विवरिंग लाइफ में जी रहे हैं, हमारा ध्यान जो है वो कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, हमारी जिंदगी में भी 100 चैलेंजेस है। जब आपके लाइफ में आपका ध्यान भटकने की बात हो तो आप ये समझ लीजिए ये आपकी एग्जाम चल रही है। यानी कि मुझे मोदी कैच से ये गोल कंप्लीट करने हैं, मुझे जैगुआर चाहिए, साल का 2 करोड़ चाहिए, मुझे अपने परिवार को पूरे वर्ल्ड में घुमाना है, मेरा बैंक बैलेंस के अंदर 2-5 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, ये चाहिए चाहिए हम बोलते हैं, लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकाने की बात आती है ना, तब हमारे पास कंडीशंस होती है। कंडीशंस, अभी बच्चों की एग्जाम चल रही है, कंडीशंस घर में गेस्ट आए, कंडीशंस कहीं बाहर घूमने जाना है, कंडीशंस अभी बारिश ज्यादा है, कंडीशन 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 कंडीशन। और आपको क्या लगता है एक आदमी को आज की डेट में महीना 1 लाख कमाना पढ़ने लिखने के बाद भी मुश्किल है, तो आपको करोड़ों रुपये कैसे मिलेंगे विदाउट फोकस? और फोकस का मतलब होता है अपनी सारी इंद्रियों को इकट्ठा करके एक ही जगह झोंकना। और आपको पता है कि फोकस की ताकत क्या होती है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। लेजर फोकस चाहिए, लेजर फोकस, पूरी ऊर्जा एक लेजर की लाइन की तरह उसके ऊपर टूटनी चाहिए। यानी सुबह उठते, रात को सोते, बात करते, दोस्ती करते, कहीं भी अगर आपके दिमाग से मोदी के गायब हो रहा है तो आप बड़ी सफलता कभी हासिल नहीं कर पाओगे। आपके माइंड में तो 100% रहना ही चाहिए, जब माइंड में होगा शब्दों में भी आएगा, बॉडी भी रिएक्ट करेगा, सब अपने आप हो जाएगा। तो अपने मन को ट्रेन कीजिए इस बिजनेस के तरफ एक जैसा फोकस करने के लिए। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजर फोकस, ये याद रखिएगा। रिलेशनशिप स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। जब हम लोगों को जोड़ते हैं तो हमें लगता है कि प्रोडक्ट बेच के हम टर्नओवर कर लेंगे, प्रोडक्ट बेच के लोग कभी कन्विंस नहीं होंगे, लोगों को कन्विंस करके आप बहुत प्रोडक्ट बेच सकते हो। और इसीलिए प्रोडक्ट सेकंड नंबर पे आता है, लोग पहले नंबर पे आते हैं। और मैंने कहीं पे सुना था कि इस दुनिया में 2 लोग कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, एक जिनके पास सेल्स स्किल होगी और जिसके पास पीपल स्किल होगी। और इस बिजनेस में कॉन्ग्रेचुलेशन, इस बिजनेस के अंदर दोनों स्किल्स की जरूरत है, दोनों स्किल में आपको महारत हासिल होगी, लेकिन जरूरी ये है कि हम लोगों की भावनाओं को समझें, उनको केयर करें, उनको ज्यादा सुने, उनको समझे, आप जैसा उनसे चाहते हो उनको रिस्पेक्ट दें, उनको अप्रिशिएशन दें।
आर्ग्यूमेंट कम करे, समझाने का तरीका बदले, तू गलत है जैसे सब वर्ड ना करके, तू सही है लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी हर चीज को सुधारे। देखो ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है मेरी नजर में, क्योंकि मैंने एक लीडर से बात की थी जिसका बहुत बड़ा चेक था, और जब वो मोदी घर से लीव हुआ पूरे देश में बात हुई, इतना बड़ा आदमी गया, एंड व्हेन आई टॉक टू हिम ही सेड मी कि सर मैं कंपनी की वजह से नहीं निकला, मैं अपनी अपलाइन की वजह से निकला हूँ। बात वो नहीं है, वो झूठ या गलत भी हो सकता है, मैं उसमें घुसना नहीं चाहता, लेकिन आपको मैं बता दूं 90% जो लोग फिट करते हैं, जो बड़े लेवल पे जाके भी, उसका रीजन होता है उनका रिलेशनशिप स्किल की कमी होना, एक लीडर के साथ अनबन होना। हो सकता है एक लीडर उसको बहुत सहन कर रहा हो, क्योंकि कोई ऐसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके सफल नहीं बनता जो एक जगह छोड़ छोड़ करता है। एक सही कंपनी आपने चुन ली है, आप इसके ऊपर फोकस, सही मैं नहीं कह रहा हूँ, सही मोदी घर का डेटा बता रहा है, सही मैं नहीं कह रहा हूँ, सही जो मैं साल के 2 करोड़ बता रहा हूँ इसका TDS बता रहा है, सही मैं नहीं कह रहा हूँ, सही मेरी जैगुआर बता रही है, मेरी टीम में भी मर्सिडीज जैगुआर BMW और ऑडी सारी कार्स आ चुकी है, 300 से 400 कार्स आई है 70% महिला, तो ये बता दिया है कि पैसे आते हैं। अब मैं कहीं ना कहीं अगर मैंने पकड़ नहीं ली लोगों के लिए, मेरे अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार नहीं है, अप्रिशिएशन नहीं है, मैं उनकी सफलता के ऊपर ताली तक नहीं बजा सकता। कई लोग चेक्स लेते हैं छोटे मोटे, क्योंकि अभी तो प्लान ऐसा है कि रोलर से साइड वाले भी हो जाता है और 25,000 का चेक तो फ्री में मिल जाता है, ये 25,000 वाले सिर्फ तालियां तक नहीं बजाते कि भैया आप अच्छा कर रहे हो, कम से कम अपनी टीम को अप्रिशिएट कीजिए। हम भगवान की भी स्तुति करते हैं ना, तो माँ आपने इस असुर को मारा, तो उनको पता है मैंने महिषासुर को मारा, फिर भी हम हर बार बताते हैं शी फील गुड, उनको अच्छा फील होता है जब आप उनके किए हुए कर्मों के बारे में बात करते हैं, उनके उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जब भगवान को उनके अचीवमेंट्स के बारे में अच्छा लगता है तो हमें क्या लगना चाहिए, तो हम इंसान को कैसा फील होगा। आज के बाद कम से कम 2 से 3 लोगों की तारीफ करना, अदरवाइज शाम का खाना मत खाना, ये सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। तारीफ सच्ची करना, झूठी कभी मत करना, इन रिस्पेक्ट के साथ, मतलब मैं तो बोलता हूँ जो करो जीवन में ऑनेस्टी के साथ करो, अदरवाइज मत करो। तो रिलेशनशिप स्किल एक बहुत बड़ी आर्ट है जो आपको इस बिजनेस में सीखनी पड़ेगी, और लोग प्रेजेंटेशन करना सीख लेते हैं लेकिन आदमी से व्यवहार करना नहीं सीखते। लोग प्रेजेंटेशन में बोलना जरूर सीख लेते हैं लेकिन कब क्या बोलना है उसका, मतलब बोलना तो बच्चा 3 साल में सीख जाता है अच्छे से, लेकिन कब क्या बोलना है पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूं कि फ्रस्ट्रेशन में आके बात ना करें, गुस्से में बात ना करें। मेरी भी कुछ कमियां हैं एंड आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, मैं अभी भी अपने आप को अपडेट कर रहा हूं। मैं हर साल अल्पेश गज्जर को एक नए रूप में देखना चाहता हूं, उसके लिए मैं मेहनत करता हूं, मैं कमिटेड हूं, मैं डेस्परेट हूं उस चीज को लेके, है ना, उसके लिए मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। और मुझे पता है जब भी मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगा मुझे कंफर्टेबल जोन को छोड़ना पड़ेगा, आई एम ओके विद दैट, मैं कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो रिलेशनशिप स्किल याद रखिएगा, इस बिजनेस में लोगों का प्यार ही आपको जिताएगा और लोगों की नफरत आपको हराएगी। इसीलिए कैसे प्यार को कलेक्ट करें, कैसे रिस्पेक्ट को कलेक्ट करें, मैं नहीं कहता कि आप ज्यादा प्यार कर लो, ज्यादा उनकी केयर कर लो, उनको बुरी आदतें डाल दो, ना 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 ना, मॉडरेट करके एक इंसानियत के नाते एक अच्छा इंसान जो बिहेव करता है वो सीख लो। इसके ऊपर कई सारी बुक्स आती है, आपको पढ़नी पड़ेगी, वीडियो से सुनना पड़ेगा, सुरेखा में हमको सुनना पड़ेगा, ऐसे आपकी जो भी अप्लायंस आपको ट्रेनिंग देती है आपको उनसे सीखना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आ गया लर्निंग एटीट्यूड, कहते हैं कि सीख के इंसान सीखे बिना साइकिल भी नहीं चला सकता, सीख के हवाई जहाज भी चला लेता है। मैंने ITI किया है, और ITI मतलब एक टेक्नीशियन क्रिएट करते हैं ITI वाले, और टेक्नीशियन की तनख्वाह 30-40 हज़ार से ज्यादा नहीं हो सकती। वायरमैन, प्लम्बर, फिटर, टर्नर, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, और मैं था इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैंने ITI किया था। अब सोचिए अगर एजुकेशन के हिसाब से मेरी प्राइस देखी जाए तो मुझे 40,000 मिलने चाहिए, लेकिन मुझे मिलते हैं 15-20 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ जो गवर्नमेंट का एजुकेशन नहीं, मेरे प्रोफेशन में जो भी एजुकेशन जरूरी है वो मैं लेता हूँ। इसीलिए आप, मेरे पास डिग्री भले ही ना हो लेकिन आप मुझे
नेटवर्क मार्केटिंग की पीएचडी दे सकते हो, बिकॉज मैंने उतनी पढ़ाई की है उसके अंदर। और इसीलिए अगर आप अपने प्रोफेशन में, मैं मना नहीं करता, आप सक्सेस होंगे। देखो जो लोग सक्सेस है, मैं आपके रिस्पेक्ट करता हूँ, जो लोग सक्सेस है अपने प्रोफेशन में या बड़ा पैकेज लेके जॉब कर रहे हैं, मैं आपके रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मोदी कैर में मास्टर हो आते ही। सफलता आपका एटीट्यूड है, वो आपको यहाँ जरूर काम में आएगा, क्योंकि सक्सेस एक हैबिट है, सक्सेस एक एटीट्यूड है। आप अगर किसी और फील्ड में सक्सेस हो तो यहाँ आपके चांसेस 90% बढ़ जाते हैं सफल होने के। लेकिन जरूरी ये है यहाँ आप जीरो से स्टार्ट करें। यहाँ व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग आपको सीखना पड़ेगा, हाउ टू इनवाइट द पीपल सीखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स को आपको डेवलप करनी पड़ेगी, डेमोस्ट्रेशन करने में शर्म तो हटानी पड़ेगी, डेमो करना सीखना भी पड़ेगा। ये कोई मदारी का खेल नहीं है, किसी के घर जाके पोछड़ी खोली और दिखा दिया। हर चीज का एक तरीका होता है। वो डेमो किट ओपन करने से पहले आप कौन से डायलॉग लगाते हो, उनका अटेंशन कितना आता है, वो आपको आपके डेमो को किस नजरिए से, किस माइंडसेट के साथ देख रहे, वो माइंडसेट क्रिएट करना, ये सब एक आर्ट है, आपको ये सीखना पड़ेगा। टीम को हैंडल करना, टीम को सिखाना, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये आपको, देखो इसमें लर्निंग का मतलब है, आप थियरी तो कहीं से भी सीख लोगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप इस लर्निंग को स्किल में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। और स्किल का मतलब होता है प्रैक्टिकल पकड़ आना किसी चीज पे। तो आज मुझे जब सेशन लेना था, हमारा अभी GRDDS के साथ मेरी ऑफिस में अभी मीटिंग चल रही थी, अभी जस्ट यू कैन से 7:45 हमारी मीटिंग कंप्लीट हुई, सारे GRDDS यहाँ से गए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत प्रिपरेशन करके मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मेरी ग्रीप है, मेरी स्किल है ट्रेनिंग के ऊपर। क्यों स्किल है? क्योंकि मैंने लर्न तो किया, लेकिन मैंने टीच भी किया, मैंने दिमाग में तो डाला लेकिन अपने लफ्जों को भी लेके आया। इवन तो मुझे किसी बुक्स में कोई चीज अच्छी लगती है, जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं, इवन सुरेखा मैम को भी पता है, मैं उनको बताता हूँ, आज मैंने ये बुक पढ़ी मैम और मुझे ये बात अच्छी लगी, आज मैंने ये बुक पढ़ी मुझे उसमें ये बात अच्छी लगी। तो ऐसा नहीं मैं सिर्फ सुरेखा मैम को बोलता हूँ, जितने भी 10-15 कॉल हो सकते हैं मैं उनको फोन लगाता हूँ, क्योंकि वो नॉलेज जो मैंने वहां से लिया वो मेरे टंग पे ऑन माउथ आना चाहिए और मैं उसके प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ, मुझे लोगों को लीड करना है, लोगों को दिशा दिखानी है, लोगों को सफल बनाना है, तो मुझे डेफिनेटली ट्रेनिंग दिमाग में डालने से कुछ नहीं होगा, ट्रेनिंग को जीना पड़ेगा। और दैट्स वाई लर्निंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्या होगा, आप पूरी तरह सीखे नहीं हो। एक बच्चा जब डॉक्टर बनता है और डॉक्टर बनने के लिए वो पढ़ाई स्टार्ट करता है, जैसे MBBS में आज उनका एडमिशन हुआ नीट क्लियर करके, और MBBS में उसका पहला महीना है, घर जाके ऑपरेशन के लिए मम्मी को बोलेगा कि मम्मा तेरे पेट में गांठ है ना, लाओ मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। आप मुझे बोलिए सगा बेटा होगा तो भी माँ ऑपरेशन करवाएगी? नहीं, वो मोहल्ले में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा कि मैं ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ, आई एम अ डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं है, वो अंडर प्रोसेस में है, वो अभी पहला फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं किया 5.5 साल में से, अगर उससे ऑपरेशन कर लिया तो आदमी मर जाएगा। तो सेम हम जब मोदी केयर में आते हैं, हमें फटाफट पैसे कमाने होते हैं और इसलिए हम फटाफट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं और फटाफट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। आप सीखे और फटाफट काम करिए, ये जरूरी है, लेकिन रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन ना रखे जब तक आपकी स्किल डेवलप ना हो जाए। और स्किल डेवलप उनकी होगी, जैसे मैंने आपको बोला कि इफ आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो ट्रेनर मुझे बताते हैं कि यार आप 10 मिनट रोज बोला करो। मैंने बोला साला हम जो भी करते हैं फास्ट करते हैं, तो आई डोंट वॉन्ट टू टॉक 10 मिनट्स पर डे, आई स्टार्टेड 5 आवर्स पर डे, आई स्टार्टेड 6 आवर्स पर डे, तो डेफिनेटली आई कैन स्पीक। क्यों? जो चीज मुझे 6 महीने में उसने टारगेट दिया था वो मैंने 6 दिन में खत्म कर दिया। तो आप बात को समझो, अगर सफलता को भी आपको भारी मात्रा में चाहिए, फास्ट चाहिए, तो अपने वर्किंग आवर्स को, वर्किंग आवर्स भी नहीं बोलूंगा, अपने क्वालिटी वर्किंग आवर्स को क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग सुबह में झोला लेके निकलते हैं एंड दे थॉट कि मैं मोदी कर करके शाम को घर पे आया। उसको ये देखना चाहिए कितने नए लोगों को मिला, कितनी उसने बात की, कितने लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया। अगर बाहर निकल के वो पान की दुकान पे सिगरेट पी रहा है, दोस्तों के साथ गप्पा लड़ा रहा है, बाहर निकल के IPL मैच देख रहा है और शाम को घर आता है, घर वालों को लगता है कि मोदी केयर कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहा होता।
इसीलिए आप जो लर्निंग करो उसको तुरंत कैश करो, उसको तुरंत फील्ड में यूज करो, उसको तुरंत फील्ड में जाके वापरो, तभी जाके आप आपकी जो लर्निंग है वो स्किल में कन्वर्ट होगी। क्योंकि नॉलेज एंड स्किल, नॉलेज के बाद ही स्किल होती है, लेकिन नॉलेज थियोरिकल है और स्किल लेने के लिए आपको प्रैक्टिकल जाना पड़ता है। एक डॉक्टर साहब भी 5.5 साल पढ़ाई करते हैं, सर्जन बनते हैं 7.5 साल में, देन ऑल्सो उनको 2 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, उसके बाद में वो अपनी हॉस्पिटल की लोन लेकर हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 साल की प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि वो स्किल होती है, स्किल। और स्किल में कन्वर्ट होने के लिए पहले 7.5 साल नॉलेज लिया और फिर प्रैक्टिकल चीजें करना स्टार्ट की। आज शायद MBBS के अंदर भी 5.5 साल में 1.5 साल ही थियरी पढ़ाते हैं, 4 साल प्रैक्टिस कर दिए। हर जगह दुनिया में प्रैक्टिस के ऊपर भरोसा किया जाता है, और इसीलिए जब नॉलेज लेना हो फील्ड में जाइए और कॉमन सेंस ओपन रख के जाना। ऐसा नहीं कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज जो चीज अडॉप्ट नहीं कर रही है क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, मैं उसको घुसा दो। पहले वो समझने का प्रयास करो वो अपनी बॉडी को सिक्योर क्यों रहा है, वो अपने माइंड को ब्लॉक क्यों कर रहा है, वो क्यों मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। उसको रिलैक्स होने दो, उसको पूछो आप बताओ सर आपको कोई दिक्कत हो तो हम पहले वो बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मैं आपको बताऊंगा और आपका सुनने का मन नहीं है। ये सब स्किल में आ जाएगा, और ये स्किल जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतनी डेवलप होगी। जितने ज्यादा लोगों से आप 1-to-1 कन्वर्सेशन करोगे उतनी स्किल आपकी डेवलप होगी। इसीलिए लर्निंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आज से सीखना स्टार्ट करना, रोज 1 घंटा कम से कम देना अपने आप को कि जिस बिजनेस के अंदर मैं हूँ उसकी धार निकालने के लिए मैं अपने आप को 1 घंटा समर्पित करता हूँ। बाकी के घंटे आप काम कीजिए, अगर आप जॉब करते हो तो भी 1 घंटा आप ट्रेनिंग रात को 11 से 12 भी ले सकते हो। अगर हमारी थोड़ी नींद कम हो जाएगी तो हम मर नहीं जाएंगे, साइंस भी 7 घंटे इनफ कहता है, लेकिन लोग 9-9, 10-10 घंटे सोते हैं, कई लोग दोपहर को भी सोते हैं। प्लीज अपने आप को जीते जी मार मत डालो, क्योंकि एक सोया हुआ इंसान और मरा हुआ इंसान एक जैसा होता है। तो जागिए और सही दिशा में अपने समय का उपयोग कीजिए, लर्निंग एटीट्यूड रखिएगा, सीखने की चाहत रखिएगा। सीखने के सोर्सेज से सबसे पहले आपकी अपलाइन की कोई भी ट्रेनिंग को मिस ना करे। फिर कंपनी जब भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग रखती है आप उसको प्रमोट भी करें, खुद जाए और प्रोडक्ट का नॉलेज अंदर घुस के ले। कोई आपके साथ डॉक्टर साहब भी बैठ जाए तब भी आपके वेल सप्लीमेंट बेचने की ताकत आपकी होनी चाहिए। आयुर्वेदा के डॉक्टर साहब भी अगर आपके सामने बैठे हैं तब भी वेल सप्लीमेंट बेचने की आपकी ताकत होनी चाहिए। और उतना नॉलेज आपको तब आएगा जब आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होगा। खाली तलवार चलाने से जंग नहीं लड़ी जाती, हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, स्किल चाहिए, टेक्निकल स्किल चाहिए, हर चीज चाहिए होती है। तो प्लीज सीखिएगा, सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए मरते दम तक। और ये सिर्फ मैंने ये नहीं बोलता कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर सीखिए, सक्सेस माइंड के ऊपर सीखिए, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर सीखिए, लोक व्यवहार के ऊपर सीखिए। सीखना बहुत है हम लोगों को, और पता इसे फायदा क्या होगा, आप थोड़े डिफरेंट लगोगे अपने समाज में। जब हम किसी की शादी में जाते हैं और एक बंदा होता है जिसकी तरफ सब मुंह रख के बैठ जाते हैं, अगर आप वैसे बनना चाहते हो तो इस बिजनेस में महारत हासिल कर लीजिए। कहीं भी किसी की भी शादी में जाके खड़े रहोगे ना, सबके मुंह आपकी तरफ हो जाएंगे, सबका अटेंशन आप हो जाओगे, वो पर्सनालिटी, वो बातें आपके, लोग आधा आधा घंटा बोलेंगे, आप खाली 4 सेंटेंस भी बोलोगे ना तो आप चांद लगा दोगे। दैट्स वाई लर्निंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद याद रखना इस बिजनेस के अंदर लर्निंग एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। गिविंग मेंटालिटी, देने की चाहत। हम जब किसी के घर भी जाए प्रेजेंटेशन करने जाए लोग गिड़गिड़ा जाते हैं, थोड़ा सा रिजल्ट उनको चाहतों के हिसाब से नहीं मिलता, वो भिखारी की हालत तक आ जाते हैं, प्लीज सपोर्ट करो, प्लीज करो ना। यार आप बात को समझिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जिसने मुझे ये बिजनेस दिया उसने मेरे साथ अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया, डेफिनेटली बहुत अच्छा किया है ना। 1.5 करोड़ कर्जे के आदमी को जिंदगी बचा ली, साल के 1.5 करोड़ रुपये कमाने लगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिसने मेरे साथ किया वो अच्छा किया, तो आप किसी के घर जाके क्या करने जा रहे हो? किसी ने अल्पेश गज्जर के साथ किया वही करने आप किसी के साथ जा रहे हो? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हाउ इट इज पॉसिबल कि आप टेकिंग मेंटालिटी के साथ जाते हो, ये आएगा तो मेरा क्रूज हो जाएगा। देखो क्रूज के लिए आप मेहनत करें सही बात है, स्ट्रक्चर बनाए सही बात है,
लेकिन जब किसी के घर जाके बैठो ना, उसकी जिंदगी बनाने के बारे में सोचो, उसके आंगन में मर्सिडीज कार देखो, बीएमडब्ल्यू कार देखो, उसके सपनों को बुनो और उसको पूरा करने की इतनी अपनत्व के साथ उसको बोलो कि यार मैं तेरे साथ हूं, हम मिलके करेंगे, तू चिंता मत करना, तू साथ मत छोड़ना, तू हाथ मत छोड़ना, मैं तेरे साथ हूं जब तक तेरे सपने पूरे नहीं होते। ये सब गिविंग मेंटालिटी की बात है ना। यहाँ तो एक अपलाइन की गाड़ी में जगा करके मैं बैठ कैसे जाऊं, मेरे किराया कैसे बचा लूं, मेरी टिकट वो कैसे निकाल दे, वो मुझे रास्ते में नाश्ता कैसे करवा दे, अगर वो मुझे पैसा देता है तो मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा, ये टेकिंग मेंटालिटी है। प्लीज अंडरस्टूड, टेकिंग मेंटालिटी कभी भी एक इंसान को अच्छा लीडर नहीं बनाती और सक्सेस तो कभी नहीं बनाती। इसीलिए हमारी परिस्थिति क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा व्यवहार क्या है वो इम्पोर्टेंट है। और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आप गिविंग मेंटालिटी अप्लाई कर सकते हो अपने आप के ऊपर। इसके लिए परिस्थिति अच्छी होना जरूरी नहीं है, इंसान हुई रहता है, परिस्थिति अच्छी या बुरी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गरीब माइंडसेट कभी अमीर बनने नहीं देता और अमीर माइंडसेट कभी गरीब रहने नहीं देता। तो आज के बाद देने की नीयत के साथ काम करना, एक्शन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव माइंडसेट यू कैन से। अब हम एक्शन, कई लोग कहते हैं कि यार सर हम तो प्रेजेंटेशन करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, पता नहीं हमारे से हो ही नहीं रहा है। दैट मीन्स आपके अंदर वो पैशन नहीं है, वो जुनून नहीं है, वो बिलीफ नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है कि मेरा भी होगा तेरा भी होगा। हम अंदर से डरते हैं मेरा ये होके वापिस आ गया, हम एग्जाम्पल्स भी ऐसे दे दे कि उसका भी कम हो गया, उसका भी कम हो गया। अरे तो अल्पेश गज्जर का चेक देखे ना, फिर मैं भी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हो ना, तुम उसी कंपनी में काम कर रहे हो ना, वही प्रोडक्ट के अंदर मैंने काम किया है, वही प्राइस के अंदर मैंने काम किया है, वही प्लान के अंदर काम मैंने किया है, वही देश के अंदर मैंने काम किया है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर जीतने वाले जीतने के एग्जाम्पल्स लेते हैं और हारने वाले हारने वालों के एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, इसलिए ऐसे हारने वालों से, ऐसे नेगेटिव माइंड वालों से, ऐसे दुखी लोगों से प्लीज नाता तोड़ दीजिए। ये कितनी भी सच्ची और इरादा पूर्वक आपका मन बहकाने का प्रयास करे, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। पॉजिटिव माइंडसेट, जब कोई जीआरडीटी लेवल का आदमी कंपनी छोड़ता था, मैं इनिशियल स्टेज में था, मेरी भी अपलाइन ने छोड़ा था, देन समवन सेज कि अल्पेश तेरी कंपनी में यह आदमी इतना बड़ा चला गया। मैं बोला मैं सुरेखा मैम को देख के आया था, अगर सुरेखा मैम छोड़े तब मुझे कॉल करना। मैंने उसकी बात को ऐसे ही निपटा दिया। कोई बोलते इसमें पैसे नहीं आते, मैंने बोला सुरेखा मैम के नहीं आएंगे उस दिन, फिर मैं काम छोड़ दूंगा, उनको आते हैं, दैट मीन्स मुझे आएंगे, मुझे वही स्ट्रक्चर बनाना है, वही प्रोडक्ट के साथ, वही प्लान के साथ, उसी देश में। और जो नहीं आता उनसे सीख लूंगा, और जो सीख भी नहीं सकता उनको साथ ले लूंगा कि मैडम आप आइए, आपकी जरूरत है। ये तो टीम वर्क का बिजनेस है, मुझे डरने की बात ही क्या है इसके अंदर। तो एक्शन तो लीजिए, एक्शन तो इंपॉर्टेंट है। कई लोग सारी ट्रेनिंग मीटिंग्स में अवेलेबल होते हैं, हर जगह पैसा खर्च करके भी आ जाएंगे, लेकिन वो लोग फील्ड में कभी नहीं होते। प्लीज प्लीज, ट्रेनिंग मीटिंग की वजह से आपका माइंड पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी एक्शन नहीं है तो एक्शन तो बहुत बड़ा कर्म है भाई साहब। जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं उनका जो कॉमन पॉइंट था वो एक्शन ही तो था, हार्डवर्क ही तो था। और हार्डवर्क का मतलब ये होता है जब मन शरीर आत्मा मना करे तब अपने आप को धक्का मारना, दैट इज कॉल्ड हार्डवर्क। जो काम अच्छा लगता है और जो लोग करते हैं उसको वर्क बोलते हैं, जो काम अच्छा नहीं लगता और फिर आप करते हो दैट इज कॉल्ड हार्डवर्क। तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, एक्शन लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। और पॉजिटिव माइंडसेट तुच्छे लुच्छे लोगों को आजू बाजू में आने दोगे या आपको खत्म कर देंगे। आपके आजू बाजू में हम जैसे लोगों को रखो, अगर हम ना मिले YouTube के ऊपर जाके सुनो, हम वही लोग हैं, बस हमारा रिकॉर्डिंग है। और जब आप ये सुनते हो तो आपको इनपुट सही मिलता है, मैं कर सकता हूं कि फीलिंग्स आती है, अरे हार गया तो क्या है, मैं वापिस खड़ा होऊंगा, मैं वापिस आगे बढ़ूंगा। इसे बोलते हैं एक्शन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और एक्शन लीजिए, सफलता आपको गारंटेड मिलेगी, अदरवाइज आप एक्शन मत लीजिए। मेरे एक बच्चे का फोन आया था, सर दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैंने बोला तुम फिर घर पे बैठ, क्योंकि अगर तू खुद नेगेटिव है और तू फील्ड में जाएगा चार और लोगों को नेगेटिव करेगा। तो जब तक आप खुद पॉजिटिव, और आप खुद पॉजिटिव कब होंगे, जब आपको अपलाइन पे भरोसा होगा, जब आपको कंपनी पे भरोसा होगा, फिर बिलीफ सिस्टम आएगी। जब आपको उन लोगों को देखने की आदत नहीं होगी कि कौन फेल हो रहे,
आपको वो देखने की आदत नहीं होगी कि इसके चेक गिर रहे। भाई साहब, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के अंदर भूचाल मचा हुआ है। हमारे देश की अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी कहने वाली कंपनी का सीईओ का लेटर मैंने पढ़ा है, एंड ही सेड, जो अपने आप का 2,000-3,000 करोड़ का टर्नओवर बताते हैं, उनका लेटर है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, जुलाई महीने में हमने 100 करोड़ पार किया, बहुत टाइम के बाद, रिसेशन के बाद। आप सोचिए, 100 करोड़ उनके लिए माइलस्टोन था, उन्होंने लेटर निकाला, यानी 1,200 करोड़ से तो ज्यादा। अगर सारे महीने 100 गिन लो, सारे है थे भी नहीं, अगर सारे 100 महीने होते तो वो लेटर ही नहीं लिखते। ऐसी हालत है, कंपनियां छोड़ के, देश छोड़ के चली गई, कंपनियां बंद हो गई, और तब मोदी केयर जिंदा है, तब मोदी केयर पेमेंट दे रही है। मोदी केयर में कोविड में सबसे सर्वोच्च बिजनेस किया, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट डिलीवर्ड किए, टाइम पे पेमेंट दिया। लास्ट महीना पूरा पूरा मोदी घर का स्टाफ कंपनी से बाहर था, तब कंपनी ने आपको 7 तारीख को पेमेंट दिया, क्योंकि 8 और 9 सैटरडे संडे आ रहे थे। ऐसी कंपनी के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? मेरे और सुरेखा मैम जैसे कितने नाम है हमारे देश में कि जो करोड़ों रुपया छाप रहे हैं इस बिजनेस से, फिर भी आप उनको नहीं देखते। आप उनको देख रहे हो कि यार वो नहीं कमा रहा है, वो नहीं कमा रहा है। अरे भी उसमें कुछ कमियां होगी, इसी पीपीटी में उसकी कमी आ जाएगी, कुछ तो कमियां होगी भाई साहब। सोचने के तरीके, एक्शन में, लोगों को, टीम को दौड़ाना है, खुद घर पे बैठना है, ऐसे धंधा नहीं होता भाई साहब। आप जो कहते हो वो टीम नहीं करती, आप जो करते हो वो टीम करती है। इसलिए करने के बाद कन्विंस कीजिए लोगों को, तो उसका ऑरा डिफरेंट आएगा। आज ये मोबाइल आप वीडियो में मुझे देख रहे हो, विद इन सेकेंड ये मोबाइल का कोई वायर नहीं लगा हुआ है, मेरा पिक्चर हवा में जा रहा है और हवा से वो सिग्नल पकड़ रहे हैं। मतलब सिग्नल जैसी चीज तो है भाई साहब, जो दिखती नहीं है। हमारे ऑरा और हमारे वाइब्रेशन भी सेम है। अगर मैं खुद फील्ड पे नहीं जाता और मैं टीम को फील्ड पे भेजना चाहता हूँ, कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं खुद सीरियसली नहीं लेता ट्रेनिंग मीटिंग्स को और टीम को ट्रेनिंग मीटिंग्स में भेजना चाहता हूँ, पॉसिबल नहीं है। अगर मेरा बिलीफ आला हुआ है और मैं लोगों को भरोसा दे रहा हूँ, चिंता मत करना होगा, तो आपके, आपकी जबान कुछ भी बोल ले, आपके ऑरा बात कर लेते हैं, और उससे उस आदमी को कोई इफेक्ट नहीं होती आपके कन्विंसिंग से। इसीलिए एक्शन लीजिए पॉजिटिव माइंडसेट एंड एटीट्यूड के साथ, कंसिस्टेंसी विथ सेल्फ डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी जो होती है ना, पानी का बहाव पत्थरों को चीर देता है, ये कॉन्स्टेंट। जब कुएं के ऊपर रस्सी आती है ना, रस्सी, वो रस्सी घिसती है ना, तो उस पत्थर को घिस देती है। रस्सी बड़ी सॉफ्ट होती है, और कुएं के ऊपर जब पानी निकालती है ना महिलाएं, तो वो वही रस्सी जहां कुएं के ऊपर घिसती है, वो पत्थर को पूरा खड्डा कर देती है। क्यों? लगातार प्रयत्न आपकी इमेजिनेशन से ऊपर रिजल्ट ला सकते हैं। कंसिस्टेंसी पत्थर को चीर देती है, कंसिस्टेंसी से पानी भी पत्थरों को चीर देता है। ये कांस्टेंट काम करना, और कांस्टेंट का मतलब बिना रुके काम करना, एवरी डे काम करना। हम नौकरी में काम करते हैं रोज 8 घंटे, हम धंधे में काम करते हैं रोज 12 घंटे, और मोदी केयर के अंदर कैलेंडर गिनते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। सर मेरा कुछ हुआ नहीं क्या? आपने रोज 8-8, 10-10 घंटे किया था भाई साहब? नहीं किया था। सैटरडे संडे कभी कॉल किए थे? वो भी कुछ सैटरडे संडे किए थे। और अभी बोलता है 1 साल हो गया। कैसे 1 साल हो गया? 5 दिन ईमानदारी से काम नहीं किया और 1 साल हो गया? कांस्टेंट वर्क कीजिए, कंसिस्टेंसी आपकी हैबिट कन्वर्ट करेगी, और हैबिट 21 दिन तक होती है, और 90 दिन के बाद वो मसल मेमोरी बनती है। जैसे आप बाइक चलाते हो, आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ता, ब्रेक, क्लच, गियर, एक्सीलेटर सब अपने आप, चारों भरतनाट्यम जैसी बाइक होती है, आप उसको बिना सोचे किसी को फोन पे बात करते करते आप चला लेते हो। जब पहली बार चलाई थी कॉन्शियसली, तब तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि 4 हैंडल कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हुई, प्रैक्टिस हुई, प्रैक्टिस हुई, अब आपका ध्यान ही नहीं है, और फिर भी सब अपने आप हो जाता है चारों बैलेंस में, जबकि आपका दिमाग उसके पीछे काम नहीं करता, आपके मसल मेमोरी काम करती है। और जैसे मैं आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं ना, वो मेरी मसल मेमोरी काम कर रही है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है आपके साथ बात करने में, वो मेरी मसल मेमोरी काम कर रही है, क्योंकि मैं कांस्टेंट कई सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं फील्ड पे हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं उनके माइंड पढ़ता हूँ, और उसको उसको उस चीज का फिर सॉल्यूशन लेके आता हूँ कि ये आदमी तो सोच रहा था, मुझे उसकी बात बाहर निकलवानी पड़ी। ऐसे तो इस देश में हजारों लोग होंगे जो अपने दिमाग की बातें बाहर नहीं निकालते, तो ऐसा कौन सा ट्रेनिंग बनाओ कि वो बिना पूछे उनको जवाब मिल जाए। तो ये मेरी मसल मेमोरी है ट्रेनिंग क्रिएट करना। तो कंसिस्टेंसी विथ सेल्फ डिसिप्लिन,
सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब वही है जब हमारा मन ना करे कि कल करते हैं, शाम को करते हैं, अभी थोड़ी बारिश है, तब एक झटका मार के यानी अपने आप को पीछे लात मारना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। ये आपको करना पड़ेगा। हम क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। हम हमेशा कंफर्टेबल चीजों को पसंद करते हैं, अनकंफर्टेबल को नहीं करते। हम मार्केट में चलते भी है तो छांव देख के चलते हैं। अगर थोड़ी धूप आ गई तो एक आदमी को धक्का मार देंगे, लेकिन हम छांव नहीं छोड़ेंगे, उस ट्रैक को नहीं छोड़ेंगे जहां पे छांव है। इतने लेवल तक हमें कंफर्टेबल की आदत होती है। तभी कंफर्टेबल की आदत नहीं होती तो हमने लिफ्ट डिजाइन नहीं किया होता, हमने वॉशिंग मशीन डिजाइन नहीं किया होता कपड़े धोने के लिए, हम रोटी मेकर नहीं बनाए होते, हम हर चीज, हमने चेयर नहीं बनाए होते, हम लोग नीचे बैठते थे, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा था, लेकिन दिस इज कंफर्टेबल। हम हमेशा हर चीज में कंफर्टेबल की तरफ जाए गए, लेकिन हमेशा याद रखना, अगर खुद को निखारना है, जिंदगी की जंग को जीतना है, तो कंफर्टेबल से दूर रहना पड़ेगा। आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना पड़ेगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपने आप को थका माना, पैशन जुनून रखिए, मरा हुआ जाएगा, मुए की खबर लेके आएगा, और ये जुनून आपके इंपोर्ट से आएगा। जब आपका बिलीफ हाई होगा, आपको 3 साल के बाद में कहाँ रहूंगा वो विजन क्लियर होगा, एंड पिक्चर आपको क्लियर होगा, तो किसी के घर जाओगे ना तो हाथ मार मार के आप बात करोगे, और आपका वो पैशन कन्विक्शन लाएगा। कहते हैं कि आपके शब्द 15% काम करते हैं, आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो 70-80% काम करती है, और अगर वो पैशन नहीं है हमारे अंदर, दैट मीन्स बिलीफ नहीं है, और बिलीफ नहीं है तो रिजल्ट नहीं है। मैं जब लोगों के पास प्रेजेंटेशन करने जाता था ना, और मैं बोलता था कि तेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा, वो डर के मारे बोलते थे धीरे से कि मेरा आए ना आए, सर आपका जरूर आएगा। और ये जुनून मेरे अंदर था। क्या आपके अंदर वो पैशन है? पैशन होती है ना, बीमारियां कम होती है। पैशन होता है ना, आयुष्य लंबा होता है। पैशन होता है ना, उसको लोग जल्दी पसंद करते हैं, मतलब लाइक मोड में जल्दी आता है। बी पैशनेट, मरा हुआ जाएगा, मोए की खबर लाएगा। पेशेंस, धीरज रखिए। ये धीरज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैशन और पेशेंस दो मुझे लगता है कि ये दोनों दुश्मन हैं। ये एनग्राफ आप समझ लीजिए, रेड कलर की पट्टी है, मैंने बहुत काम किया नीचे से, मुझे इनकम सामने नहीं आई। फिर रेड वाली पट्टी है, मैंने काम किया, उसके हिसाब से मुझे 25% मुझे इनकम आई। उसके बाद में फिर मैंने जितना काम किया उतना पैसा आया। अब ये चौथे नंबर पे मैं हूं कि मैं सैटरडे संडे ट्रेनिंग लेता हूं और 15-20 लाख रुपए कमाता हूं। सबसे ऊपर ग्रीन लाइन सुरेखा मैम है, वो अपने घर से बाहर पांव निकाले या न निकाले, उनके 1-1.25 करोड़ रुपए फिक्स है। यही ये बिजनेस का ग्राफ है। एक किसान को पता होता है जब वो गेहूं चावल बोता है कि 3-4 महीने में आएगा, और वही किसान जब आम का पौधा लगाता है उसको पता होता है 5 साल के बाद आएगा। लेकिन मोदी केयर में आने के बाद लोगों के दिमाग क्यों खराब हो जाते हैं मुझे समझ में ही नहीं आता। 3 साल के लिए आइए, पहला 1 साल खुद को सिखाने में, दूसरा 1 साल अपनी टीम को सिखाने में, और तीसरे साल से नोटें छापना चालू करो। इतना भी अगर आपको समझ में नहीं आता, ये कोई नौकरी थोड़ी है कि इसमें ना काम किया तनख्वाह ले जाओ। ये धंधा, अरे जितना बड़ा बिजनेस होगा ना, इंडस्ट्रियलिस्ट भी 5-5 साल के लिए thousands of crore रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। भिखारी को तुरंत पैसा मिलता है, भिखारी को तुरंत पैसा मिलता है, मजदूर को 1 दिन में मिलता है, जॉब वालों को 1 महीने में मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड 1 साल के बाद हिसाब करते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट को 5 साल लगते हैं। आप समझिए, आप जिस बिजनेस में आए हो वो कोई क्विक मनी गेम नहीं है, लेकिन परमानेंट मनी गेम है, बिग मनी गेम है, परमानेंट मनी गेम है, लेकिन क्विक मनी गेम नहीं है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आप अपने एक्शन पे फोकस कीजिए, दिमाग को ज्यादा लोड मत दीजिए, दिमाग को सीखने में लगाइए, सोचने में मत लगाइए, सीखने में लगाइए। तो पेशेंस, 100% कमिटमेंट टुवर्ड्स गोल, है ना। बारिश आ जाए, धूप आ जाए, तूफान आ जाए, टीम टूट जाए, टीम ना टूटे, टीम खरीदे, टीम ना खरीदे, हॉल में कोई आए, हॉल में कोई ना आए, उसके बावजूद भी अपने भरोसे के साथ, अपने कमिटमेंट के प्रति एवरी डे घर से बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। ट्रेनिंग में जाना है मतलब जाना है, जॉब में 1,000 रुपया कट हो जाएगा तब भी जाना है, गेस्ट को बुरा लग जाए तब भी ट्रेनिंग में जाना है। हमने भाई साहब कमिटमेंट निभाए है, हमने अनकंडीशनल इस बिजनेस की शर्तों को फॉलो किया है। ऐसा नहीं होता कि मेरी परिस्थिति को बिजनेस एक्सेप्ट कर लेगा। बिजनेस की
सिस्टम को मुझे एक्सेप्ट करना होगा, मेरी परिस्थिति को बिजनेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो किसी की शर्म नहीं करता। तुम कर पाए तो ठीक है हम देंगे, तुम नहीं कर पाए तो भी ठीक है हम नहीं देंगे, इतना ही होता है। बिजनेसमैन एटीट्यूड, इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी, मुझे गजब सा लगता है लोग टिकट के अंदर पैसे गिनते हैं, लोग दो दिन कैंप के अंदर 5,000 रुपए भरने 200 बार सोचते हैं, आने जाने का इतना किराया। अरे भाई साहब, छोटे से छोटा धंधा करके देखिए कितना पैसा इन्वेस्ट होता है। इसी मीटिंग के अंदर हमारे काफी सारे बिजनेसमैन बैठे होंगे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कितने लोगों को तनख्वाह देते हो, कितना लाइट बिल भरते हो, शोरूम का किराया, शोरूम के ऊपर इंटरेस्ट कितना चढ़ता है, इन्वेंट्री कितनी है, टैक्सेस लायबिलिटी कितनी है, मतलब मैं 50 उधारी कितनी है, कंपटीशन कितनी है। तो वो अगर कोविड में ये धंधा बंद हुआ तब भी मेंटेनेंस कितना रहेगा, बोले हाँ स्टॉक का टैक्स तो भरना पड़ेगा, मालिक है तब भी। कॉर्पोरेशन वाले ये नहीं बोलेंगे कि नहीं हम टैक्स माफ करते हैं इस साल का, लोन का इंटरेस्ट वाले इंटरेस्ट माफ नहीं करेंगे, लोन के हफ्ते शायद आपको 3 महीने के लिए बंद कर सकते हैं। आदमियों को पूरी नहीं तो आधी तनख्वाह तो देना ही पड़ेगी, नहीं तो वो भी छूट के भाग जाएंगे। कहने का मतलब, जब वहां लाखों कमाने के लिए हम लाखों हजारों रुपया अनकंडीशनल देने पड़ते हैं, तो यहाँ 5-7 हजार उतर अगर महीने के भी दे दिए ना भाई साहब, तो साल के 50,000 लाख होते हैं। 100 PV करने के लिए लोगों की फट जाती है, मुझे समझ में नहीं है 100 PV में आपको क्या प्रॉब्लम है। भैया ये ध्यान रखो ना कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, और सूर्य के मैंने गुल्लक दिखाया है ना, उसी इन्वेस्टमेंट को बार 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 रिपीट करो, कौन सी बड़ी बात है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, बिजनेस माइंड रखिए। मेरा पेट्रोल गया, मेरा डीजल गया, मेरी गाड़ी में इतना जलाया, अरे मत जला, तू हम सबको जला देगा भाई। इसीलिए अगर आपको लगता है ये गरीबों का बिजनेस नहीं है, ये अमीर माइंडसेट वालों का बिजनेस है। गरीब इंसान गरीब हो चलेगा, उसका माइंडसेट गरीब नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर लाखों करोड़ों आने वाले हैं, जिसको ये बिलीव होता है, वो 2-5-10 हजार की चिंता करता ही नहीं है भाई साहब। और जितनी बार आप ऐसी बातें निकालोगे ना, मेरा गया 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 और जाएगा, इससे ये बोलो कि भैया कितने भी पैसे लगाने पड़े मैं तैयार हूं, जब तक मेरा नेटवर्क बिल्ड नहीं हो जाता, मेरी लाखों की टीम नहीं हो जाती, मेरी लाखों की इनकम नहीं हो जाती, तब तक मैं कुछ भी सोचूंगा नहीं या सोचूंगी नहीं। ये होता है बिजनेसमैन एटीट्यूड। तो थैंक यू सो मच, मुझे लगता है मैंने बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट किया है, 1 मिनट ज्यादा हुई। एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी रचना मैम, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, अमेजिंग। मतलब आपने आज 1 घंटे में ना सबका एक ब्रेन वॉश कर दिया है। प्लीज आप अपनी स्लाइड बंद करते जी। जितना बोला है ना सर शुरू से, मैंने आपकी मीटिंग्स का, आपकी ट्रेनिंग का सुना कि आप माइंडसेट करते हैं, और मतलब नो डाउट आपका यहाँ पे फोटे है, और आपने सबका 14 पॉइंट आज हमने सीखे हैं। और अगर मैं दिखाऊं, सर ने बोला कि आपको अपनी गलतियां यहीं मिल जाएंगी, तो आई थिंक आप लोगों ने भी करा होगा, मैंने हरी टिक करी है उस पे कि हाँ यहाँ पे मुझे वर्क करना है। तो थैंक्स अ लॉट आपका कि आपने बिना किसी को पॉइंट करे, बिना किसी का, एक जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं जो शायद हम अपने अंदर ही रख के बैठ जाते हैं, और फिर वो जो होता है कि मेरा नहीं चला, या ये नहीं हो रहा, या ये नहीं हो रहा, हमारे जो एक्सक्यूजेस आते हैं, हमारे जो बहाने आते हैं, वो आपने आज 1 घंटे में बहुत सर मुझे सपोर्ट कराए, और हम कंटिन्यू 1,000 लोग बने रहे तो ऐसा ही सबके साथ हुआ होगा। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बाय बाय सर। देखा फ्रेंड्स आपने कि जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने आज देखा है, जो अल्पेश सर की ट्रेनिंग आपने अटेंड करी है, आपके भी काम आई होगी, आपके काम आई है। आप बार बार इसे देखिए, बार बार अपने लिए, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, ग्रीन टिक नहीं करे हैं जहां पे आपको काम करना है अपने ऊपर, तो वापस से इसको फेसबुक पे देखिए, और अपने लिए एक, जैसे बोलते हैं ना, चार्ट बना लीजिए, मेन्यू बना लीजिए कि हमें ये करना है, इस काम करना है। तो आज के इस प्रोग्राम के बाद अगर कल की प्रोग्राम की बात करी जाए, तो कल सैटरडे है, प्रोडक्ट कंपनी डे है, जिसमें हमें कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलती है। तो कल का सेशन होने वाला है डॉन टू डस्क पे, श्रीकांत सर इसकी ट्रेनिंग करने आएंगे, उसे अटेंड करना ना भूलें, क्योंकि 5 दिन बचे हैं बस अब इस महीने में। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो आपको जरूरी है कि हमारे पास क्या क्या है, हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस में, ये सीखने के लिए कल 6:30 बजे से मीटिंग स्टार्ट होगी, तो 6:15 बजे लॉग इन करना ना भूलें। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।